हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है सीमेंट। सीमेंट में भी कौन से सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग, उसकी हार्डनिंग के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग। ठीक है, तो अब हम सब पढ़ेंगे सीमेंट। सीमेंट सीमेंट क्या होता है? सीमेंट वह पदार्थ है जिसमें चिपकने और सहसंजक गुण के कारण ईंट, पत्थर, भवन निर्माण के पदार्थों को जोड़ने की शक्ति होती है। ईंट कौन सा है? सीमेंट की बात करें, सीमेंट क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें चिपकने और सहसंजक गुण के कारण ईंट, पत्थर, भवन निर्माण के पदार्थों को जोड़ने की शक्ति होती है, क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। तो सीमेंट का जो नॉर्मली हम सबको पता है क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर दी जाए तो डेफिनेशन इस तरह दी जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह दी जाती है। उसके बाद सीमेंट जो है वो क्या होते हैं? कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट्स होते हैं। तो सीमेंट क्या होता है? कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम के एल्यूमिनेट होते हैं और कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं। उसके बाद सीमेंट गहरे स्लेटी रंग का चूर्ण पदार्थ होता है। सीमेंट क्या होता है? गहरे रंग का होता है, स्लेटी रंग का चूर्ण पदार्थ होता है। ये गहरे गहरे स्लेटी रंग का होता है और चूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि सीमेंट में पानी के साथ मिलाकर जमने व कठोरता प्रदान करने का गुण होता है। सीमेंट में क्या होता है कि पानी के साथ मिल करके जमने की प्रॉपर्टी भी होती है और कठोरता प्रदान करने का गुण होता है। इसका उपयोग भवन को मजबूती प्रदान करने में किया जाता है। किसका उपयोग? सीमेंट का उपयोग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है? भवन निर्माण। और सीमेंट का निर्माण किसमें किया जाता है? भवन निर्माण में किया जाता है और भवन को मजबूती देने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस बारे में कि सीमेंट जो था वो, उसकी मेन जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है? पानी के साथ मिलकर की आती है। तो हार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? मोस्टली पानी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? हमें ये तो पता है सीमेंट क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो सबसे पहली है, अच्छा सीमेंट वह है जो कि टूटने, खराब होने तथा अंततः दरारों के प्रति प्रतिरोधक होता है। अच्छा सीमेंट कौन सा होता है? अच्छा सीमेंट वह है जो कि टूटने, खराब होने तथा अंततः दरारों के प्रति प्रतिरोधक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? दरारों के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है। ठीक है, और वो टूटने और खराब होने में भी प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। सीमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने सुना भी है कि सीमेंट्स 33 ग्रेड का होता है, एक 43 ग्रेड का होता है, एक 53 ग्रेड का होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इनकी होती है सीमेंट की। क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उस पर इसकी ग्रेड्स डिपेंड करती है। बेस्ड ऑन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे क्या क्या कि ये ग्रेड कौन सी है सीमेंट की, 33 ग्रेड का है, 43 का है, 53 का है। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सीमेंट दे रखा है। उसके बाद में क्या आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है? टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहला है नेचुरल सीमेंट, दूसरा है पुजोलाना सीमेंट, उसके बाद है स्लैग सीमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है पोर्टलैंड सीमेंट। तो चार तरीके की सीमेंट आपने पढ़ी अभी अभी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी? नेचुरल सीमेंट, पुजोलाना, स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट क्या था? जो एक मतलब भवन निर्माण में जो काम आता है, जो चिपकाने में और कठोरता प्रदान करने का जो गुण होता है वो किस में होता है? ईंट, पत्थर, भवन निर्माण के पदार्थों को जोड़ने की जिसमें शक्ति होती है वो क्या कहलाता है? ईंट सीमेंट कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया था कि ये एल्यूमिनेट और सिलिकेट्स होते हैं, किसके? कैल्शियम के। ठीक है, और सीमेंट सबको पता ही है कि गहरे स्लेटी रंग का होता है। सीमेंट कैसा होता है? स्लेटी कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद में सीमेंट की जो हार्डनिंग होती है उसमें मेन रोल किसका होता है? पानी का होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो स्ट्रोंग मतलब भवन को क्या मजबूती प्रदान करती है? कौन? सीमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट भी देख ली
कि ये क्या करती है, एक अच्छा सीमेंट वो होता है जो इनके प्रति टूटने, खराब होने और अंततः दरारों के प्रति क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ये चीज़ें उसमें आसानी से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेड्स का भी हो गया, ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। फिर टाइप ऑफ सीमेंट्स में हमने चार तरीके के सीमेंट्स पढ़ ली, नेचुरल सीमेंट्स, पुजोलाना सीमेंट्स, स्लैग सीमेंट्स और पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब हम जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट दे रखा है। कौन सा सीमेंट दे रखा है हमारे सिलेबस में? पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये जो सीमेंट है वो विश्वसनीय सीमेंट मान सकते हैं, मैजिक पाउडर भी कहते हैं इसको। ये क्या है? विश्वसनीय है। और इसको क्या कहते हैं? मैजिक पाउडर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मैजिक पाउडर भी कहते हैं। 1824 में जोसेफ एस पीडी ने इसको इंग्लैंड में खोजा था। कहाँ खोजा था इसको? 1824 में, 1824 में जोसेफ एस पीडी ने इसको इंग्लैंड में खोजा था, ठीक है। फिर पोर्टलैंड के पत्थरों के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड रखा गया। जो पोर्टलैंड के पत्थर थे उनके जैसे दिखने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? इसमें होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको क्या कहते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसमें 60 से 70%, 69% तक होता है, ठीक है। और इसका मेन रोल क्या होता है? सीमेंट की शक्ति बढ़ाता है। चूना जो होता है वो 60 से ऑलमोस्ट 70% तक इसमें होता है और वो क्या करता है? सीमेंट की शक्ति बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिलिका। सिलिका कितना होता है? 17 से 25% होता है। और जमने की प्रवृत्ति हेतु तथा होता है, ये क्या होती है? उसकी जमने की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? सिलिका। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है Al2O3। एल्यूमिनियम होता है Al2O3। एल्यूमिना, एल्यूमिना का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो है एल्यूमिना, वो होता है इसमें 3 से 8% होता है। कितना होता है? 3 से 8%। इसका क्या काम है? इसका काम है जल्दी जमने में उपयोगी होता है। ये जल्दी जमने में, उसकी जो कैपेसिटी है जल्दी जमने की, उसमें ये उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम होता है कैल्शियम जो सल्फेट होता है उसका, सल्फेट 2H2O, ये क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। प्रारंभिक व्यवस्थित होने के समय को बढ़ाता है ये। जब जो सीमेंट होती है वो प्रारंभिक व्यवस्थित वाली स्टेज में होती है उसके समय को बढ़ाता है। ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, ये क्या होता है? नेचुरली प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? नेचुरली प्रेजेंट होता है। फिर लोहजनित पदार्थ, आयरन का ऑक्साइड, ये 2 से 4% होते हैं। कितने होते हैं ये? 2 से 4%। ये क्या करते हैं? उसको कलर प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है। जो लोहजनित पदार्थ है जैसे आयरन का ऑक्साइड, ये 2 से 4% ये कलर, शक्ति और कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3। क्या है उसके बाद? सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3। ये कितना होता है? 1 से 3%। कितना होता है ये? 1 से 3%, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये स्मूथनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसकी स्मूथनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, ये होता है 1 से 5%, 1 से 5% तक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड है वो होते हैं इसमें 0.3% से 1.5% तक होते हैं। और ये क्या करते हैं? जल ग्रहण की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका मैन्युफैक्चर क्या होगा? पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है जो काम में
लिया जाता है। सबसे पहले है कैल्केरियस मटेरियल्स। कैल्केरियस मटेरियल्स में क्या आती है, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक, कैलकाइट सेल्स, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, कैल्केरियस मटेरियल्स में ये आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल काम में आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कैल्केरियस मटेरियल्स है, कैल्केरियस मटेरियल्स में ये आते हैं। दूसरी है अर्जिलेसियस मटेरियल्स। इसमें कौन कौन आता है, इसमें सिलिका और एलुमिना आता है। कौन कौन आता है इसमें, सिलिका और एलुमिना। उसके बाद आता है फेरी फेरस मटेरियल्स जो है उसमें Fe2O3 युक्त मिट्टी से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है जिप्सम। जिप्सम का क्या कह रखा है, जो कैल्शियम सल्फेट 2H2 है ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। फिर उसके बाद में दे रखा है चूर्णित कोयला और ईंधन तेल, ये इसका रॉ मटेरियल्स की लिस्ट हो गई। चूर्णित कोयला, ईंधन तेल हो गया, जिप्सम हो गया, फेरी फेरस मटेरियल्स हो गए, अर्जिलेसियस मटेरियल्स हो गए, कैल्केरियस मटेरियल्स हो गए, ये सारे इसके रॉ मटेरियल्स हो गए। अब बात कर रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी जो स्टेप्स हैं, किसके स्टेप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्रशिंग, फिर मिक्सिंग, फिर ब्रश बर्निंग, फिर ग्राइंडिंग। कौन कौन से हो गए इसमें, एक बार फिर से देखेंगे, पांच स्टेप्स दे रखे हैं आपको। जो सीमेंट जो बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेप्स हैं उसमें हमें पांच स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले क्रशिंग, फिर मिक्सिंग, फिर बर्निंग, फिर ग्राइंडिंग और फिर पैकिंग, लास्ट वन इज़ द पैकिंग, ठीक है। ये हमें किस में पढ़ने हैं, ये स्टेप्स है पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के। तो हम नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे।